ready for the best. Let's go. Yeah, I said I got this, I'm in it. I'm hella filthy, so I got this, I'm winning. I'm not a quitter, so I'm not fucking quitting. सो हे गाइस, वेलकम टू द रैश गियर। स्वागत है आपका रैश गियर के इस एक और नए वीडियो में। तो गाइस, ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और आई एम डैम श्योर आप में से बहुत से लोग इस वीडियो का वेट कर रहे थे और मुझे काफ़ी लोग ने इंस्टाग्राम पे मैसेज भी किया है। तो फाइनली ये वीडियो आप लोगों के लिए लेके आ चुका हूँ और आज की इस वीडियो में हम लोग जिस बाइक के बारे में बात करने वाले हैं, ये है बजाज के तरफ से आने वाली इनकी ऑल न्यू पल्सर NS200 का नेक्स्ट जनरेशन। जी हाँ गाइस, 2023 में बजाज वाले क्या कमाल दिखाएंगे इस बाइक के साथ। अब तक तो बजाज वालों की ये बाइक इंडियन टू व्हीलर मार्केट में तहलका मचा के रखी थी, लेकिन क्या आने वाले टाइम पे भी ये इसी तरह तहलका मचाएगी या फिर नहीं, वो आज के इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा। और आज की इसी वीडियो में इस बाइक के बारे में डिटेल में बात करेंगे कि क्या कुछ नए फीचर्स आपको इस बाइक में मिलने वाले हैं, इसकी प्राइस क्या होगी, ये बाइक हमें इंडियन टू व्हीलर मार्केट में कब तक लॉन्च होते हुए दिखने वाली है। तो सारी इन्फॉर्मेशन आपको इसी वीडियो में मिल जाएगी, तो मेक श्योर आप लोग वीडियो के साथ एंड तक जरूर बने रहना। और ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग ऑफ एनी टाइम, लेट्स रश दिस वीडियो। तो सबसे पहले बात करते हैं इस बाइक के लुक्स और डिजाइन के बारे में। तो गाइस देखो, जिस टाइम पे NS200 इंडियन टू व्हीलर मार्केट में आई थी, उस टाइम के हिसाब से तो इस बाइक के जो लुक्स थे वो भाई एक अलग ही लेवल के लुक्स थे। लोगों ने इस बाइक को भर भर के प्यार दिया क्योंकि इस तरह के जो लुक्स थे वो बजाज वालों के पहले किसी बाइक ने हमें इंडियन टू व्हीलर मार्केट में ऑफर नहीं किए थे। कम्प्लीटली एक फुली नेकेड स्पोर्ट बाइक कैटेगरी की ये बाइक थी, जिसमें जो लुक्स थे वो बहुत ही ज़्यादा शानदार थे। इसकी जो फ्रंट की हेडलाइट की डिज़ाइन थी वो भी अपने आप में बहुत ही ज़्यादा शानदार दिखती थी। लेकिन गाइस, टाइम टू टाइम बजाज वालों ने इस बाइक के साथ यार बड़े अपडेट्स नहीं किए, सिर्फ और सिर्फ इस बाइक के जो थोड़े कलर्स वगैरह है, जो ग्राफिक्स है, उनमें चेंजेस करते गए। लेकिन लोगों को उतना कुछ खास समझ में नहीं आया ग्राफिक्स और ये सब। लोग चाहते थे कि बजाज वाले इस बाइक की डिज़ाइन में यार कुछ और भी ज्यादा कुछ एक बेहतरीन लुक इस बाइक का निकाल के दे इंडियन टू व्हीलर मार्केट के लिए, लेकिन बजाज वालों ने ऐसा नहीं किया। और वही रीजन है कि जो अदर ब्रांड्स की, जो अदर नेकेड सीरीज की बाइक्स है, वो आज इंडियन टू व्हीलर मार्केट में थोड़ी ज्यादा नाम कमा रही है। बजाज की ये NS200 ने नाम तो डेफिनेटली बहुत ज्यादा कमाया है, उन सभी बाइक से ज्यादा ही नाम कमाया होगा। और ये भी कह सकते हैं कि 200cc सेगमेंट की जो स्पोर्ट कैटेगरी की बाइक्स में अगर सबसे ज्यादा किसने नाम कमाया है तो वो यही बाइक है। इसमें जो पावर्स थे गाइस, मेरी पर्सनली फेवरेट बाइक है, मैंने इसको बहुत ज्यादा चलाया है। इसका जो रिस्पांस है, इसका जो पिकअप वगैरह है गाइस, इस बाइक से आपको फर्स्ट टाइम जब चलाओगे प्यार हो जाएगा। पावर के मामले में इस बाइक में कोई कमी नहीं है, लेकिन उसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। फिलहाल हम लोग अपने टॉपिक पे आ जाते हैं जो हम लोग कर रहे थे इस बाइक के लुक्स के बारे में। तो लुक्स वगैरह ज्यादा चेंजेस नहीं किए गए, लेकिन अब बताया जा रहा है जब इस बाइक का जो नेक्स्ट जनरेशन आएगा उसमें इस बाइक के जो लुक्स है वो कंप्लीटली आपको एक न्यू फ्रेश डिजाइन के साथ बजाज वाले इस नई NS200 को इंडिया के सामने पेश करने वाले हैं। बताया जा रहा है इसके जो लुक से फ्रंट से स्पेशली बहुत ही ज्यादा चेंज किया जाएगा इस बाइक को। इसका जो फ्रंट की हेडलाइट की डिजाइन है वो एक यूनिक शेप में आपको देखने मिलेगी, इस तरह की शायद ही डिजाइन आपने किसी और बाइक्स में देखी होगी। और जो साइड की फेयरिंग है उसमें कटआउट्स वगैरह में चेंजेस किए जाएंगे, उसकी बॉडी की जो डिजाइन है उसको थोड़ा और शार्प किया जाएगा। कम्प्लीटली एक एरोडायनामिक लुक प्रोवाइड करने की कोशिश रहेगी बजाज वालों की। इस बाइक की जो रियर प्रोफाइल है वो भी कम्प्लीटली आपको एक न्यू डिज़ाइन के साथ देखने मिलने वाली है। आपने देखा होगा बजाज की जितनी बाइक्स आती है उनके जो रियर लुक है वो ऑलमोस्ट आपको सेम ही देखने मिलते हैं, यानी कि उनकी जो टेल लाइट है वो आपको सभी में सिमिलर देखने मिलती है। हाँ, जो अभी नई F250 N250 आई थी उनकी भी डिज़ाइन वैसी ही थी, लेकिन थोड़े से उन्होंने टचअप दे दिए और थोड़ी डिज़ाइन को चेंज कर दिया। लेकिन NS200 के जो नेक्स्ट जनरेशन आएगा उसकी डिज़ाइन कम्प्लीटली ही हटके होने वाली है। तो लुक्स वगैरह के मामले में ये बाइक कम्प्लीटली चेंज होने वाली है। अब बात करते हैं इस बाइक के इंजन के बारे में। तो क्या यहाँ पर कुछ आपको मेजर चेंजेस देखने मिलेंगे? तो गाइस, यहाँ पर मेजर चेंजेस तो नहीं बोल सकते क्योंकि 200cc का जो इंजन मिलता था वही होगा, जो एग्जैक्ट डिस्प्लेसमेंट 199.5cc का मिलता था वही होगा, जिसमें आपको एक सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूलिंग के साथ आपको ये इंजन ऑफर किया जा रहा था, तो वही इंजन होगा। लेकिन बताया जा रहा है इंजन को रीट्यून किया जाएगा, जिसके कारण आपको पता ही होगा BS6 आने के कारण इस बाइक के जो पावर्स थे थोड़े बहुत कम आपको देखने मिले थे, और उसी के कारण लोगों में बहुत सी निराशा थी कि इस बाइक के जो पावर्स थे वो कम नहीं होने चाहिए।
थे, लेकिन नेक्स्ट जनरेशन में ये कमी भी बजाज वाले आपकी दूर कर देंगे। और इसका जो पावर्स है, हाल फिलहाल आपको NS200 में 24.5 HP का पावर मिलता है 9750 RPM पर। बताया जा रहा है नई वाली NS में करीबन 25 से लेकर 26 HP का मैक्सिमम पावर आपको मिलेगा। और वहीं बात करें मैक्सिमम टॉर्क के बारे में, तो करंटली आपको 18.7 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है, नई वाली में करीबन आपको 19 से लेकर 21 न्यूटन मीटर तक का टॉर्क अमाउंट देखने मिल सकता है। तो इस पावर फिगर्स के साथ भी ये बाइक आती है, जैसा नाम इसने पहले कमाया था, आज के तारीख में भी ये बाइक उसी तरह का नाम कमाएगी। लुक्स वगैरह चेंज हो गए तो गाइस ऑटोमेटिकली ये बाइक छा जाने वाली है इंडियन टू व्हीलर मार्केट में। सिर्फ और सिर्फ लुक्स के कारण ये बाइक कहीं ना कहीं आज के तारीख में थोड़ी पीछे हो रही है, लोगों को अब डिजाइन इसकी थोड़ी ओल्ड लगने लग चुकी है। आप लोग भी कमेंट सेक्शन में बताओ क्या आपको NS200 की जो डिजाइन है आज के हिसाब से सही लगती है या फिर ओल्ड डिजाइन लगती है। बाकी कुछ और बड़े चेंजेस के बारे में बात करें तो गाइस अगला जो मेन आपको मेजर चेंज देखने मिलेगा वो है इसके इंस्ट्रूमेंट कंसोल में। जी हाँ गाइस, बताया जा रहा है अब की बार इस बाइक में आपको फुली डिजिटल कंसोल देखने मिलेगा, जिसमें आपको कंप्लीट जितनी इंफॉर्मेशन है सभी आपको डिजिटल फॉर्म में देखने मिलेगी। F250 N250 में जिस तरह आपको कंसोल देखने मिलता था उस तरह का कंसोल नहीं होगा, वो एक सेमी डिजिटल कंसोल है, लेकिन इसमें फुली डिजिटल कंसोल होगा जिसमें सभी इंफॉर्मेशन, स्पीडोमीटर, टेकोमीटर, ऑडोमीटर, ट्रिप वगैरह, गियर पोजिशन इंडिकेटर, सारे इंडिकेशन देखने मिलेंगे। तो ये बहुत अच्छी बात है कि NS200 में अब फाइनली फुली डिजिटल कंसोल आपको ऑफर किया जाने वाला है। तो ये एक मेजर अपडेट आपको NS200 में देखने मिलेगा। अगले कुछ मेजर अपडेट्स के बारे में बात करें तो गाइस बताया जा रहा है टायर सेक्शंस को लेकर आपको थोड़े चेंजेस देखने मिल सकते हैं। इस बाइक का जो फ्रंट टायर है और जो रियर टायर है उसका सेक्शन आपको थोड़ा बढ़ते हुए देखने मिलेगा, यानी कि इस बार आपको नई वाली NS200 में जो टायर है वो थोड़े वाइडर साइज के मिलेंगे, थोड़े चौड़े हो जाएंगे इसके टायर। तो ये न्यूज अभी तक कुछ कंफर्म नहीं है, हो सकता है शायद नहीं भी करे, लेकिन न्यूज आ रही है कि इसमें थोड़ा सा जो सेक्शन है वो थोड़ा सा माइनर सा चेंज होते हुए दिखनेगा, थोड़े वाइडर टायर आपको NS200 के नेक्स्ट जनरेशन में देखने मिल सकते हैं। बाकी लाइटिंग डिपार्टमेंट में बात करें तो गाइस इस बार NS200 जो आएगी नेक्स्ट जनरेशन बाइक में कंप्लीटली आपको LED लाइट्स का ही यूज देखने मिलेगा, चाहे बात करें उसकी फ्रंट की हेडलाइट्स की या फिर टेल लाइट्स की या फिर टर्न इंडिकेटर्स की, सभी में आपको LED लाइट्स का यूज देखने मिलेगा। और साथ ही के साथ फ्रंट में बताया जा रहा है एक यूनिक डिजाइन की आपको LED DRLs भी ऑफर की जाएगी, जिसके कारण इस बाइक का जो फ्रंट लुक है वो अपने आप में बहुत ही ज्यादा एनहांस होने वाला है। बाकी इस बाइक की अगर टॉप स्पीड और माइलेज के बारे में बात करें तो वो अभी फिलहाल कहना बहुत ही गलत होगा, क्योंकि अभी तक ये कुछ कंफर्म नहीं हुआ कि पावर एग्जैक्टली आपको क्या मिलेगा, तो ये फिलहाल हम लोग नहीं बात कर सकते। लेकिन माइलेज के बारे में अगर एक एक्सपेक्टेड गेस करें तो आप लोग करीबन पकड़ के चलो 35 से लेकर 40 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज ये बाइक निकाल के दे देगी। बाकी इस बाइक के कुछ कंफर्ट और कन्वीनियंट फीचर्स के बारे में बात करें तो इसके हैंडल बार की यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिक स्टार्ट, पिलियन के लिए फुटरेस्ट, और इस बाइक में आपको स्प्लिट सीट मिल जाएगी। और जो स्प्लिट सीट होगी उसकी भी डिजाइन आपको चेंज देखने मिलने वाली है, थोड़ी चौड़ी हो जाएगी इसकी जो रियर सीट है। लोगों को शिकायत थी कि NS200 की जो सीट है पीछे वाली वो ज़्यादा इतनी कंफर्टेबल नहीं है, तो नई वाली NS200 में आपकी ये शिकायत भी दूर होने वाली है। बाकी इस बाइक की अगर ब्रेकिंग ड्यूटीज और सस्पेंशंस को लेकर चेंजेस के बारे में बात करें तो गाइस यहाँ पर कुछ बड़े चेंजेस नहीं होंगे। हाँ, जो एक ब्रेकिंग को लेकर एक चेंज होगा वो है कि इसमें आपको ड्यूअल चैनल ABS तो मिल ही जाएगा, साथ ही के साथ फ्रंट में आपको 300mm की ही पैडल डिस्क ब्रेक देखने मिलेगी एंड पीछे भी आपको 230mm की ही पैडल डिस्क मिलेगी। तो ब्रेकिंग ड्यूटीज में कुछ बड़े मेजर चेंजेस नहीं होंगे। और वहीं बात करें सस्पेंशन को लेकर चेंजेस के बारे में बात, तो यहाँ पर भी गाइस मुझे नहीं लगता है बजाज वाले NS200 के नेक्स्ट जनरेशन में आपको इसमें USD4 को ऑफर करे, और अगर ऐसा बजाज वाले कर देते हैं तो भाई ये बाइक तहलका मचाने वाली है, तहलका लिख के ले लो आप लोग मुझसे, ये बाइक तहलका मचा देगी। बाकी होप्स हो बजाज वाले ऐसा कुछ कर दे। फिलहाल तो आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलते हैं इसके फ्रंट में एंड रियर में आपको इसमें मोनोशॉक ऑफर किए जा रहे हैं। तो फ्रंट सस्पेंशन को अगर बजाज वाले चेंज कर देते हैं तो भाई क्या ही बात होगी। तो गाइस ये सब चेंजेस के साथ आपको नई वाली NS200 देखने मिल सकती है। बाकी इस बाइक की अगर अब बात करें प्राइस और लॉन्च डेट के बारे में तो गाइस देखो अभी फिलहाल NS200 की जो एक्स शोरूम प्राइस है वो आपको करीबन 1,41,000 के आसपास देखने मिलती है। तो गाइस अगर इतने सारे कुछ चेंजेस आपको इस नई NS200 के नेक्स्ट जनरेशन में देखने मिलेंगे तो बट ऑब्वियस इसकी जो प्राइस है वो तो डेफिनेटली इंक्रीज होगी। तो आप लोग करीबन पकड़ के चलो 10 से लेकर 15,000 तक आपको एक्स्ट्रा पे करने होंगे, यानी कि इसकी
इसकी जो एक्स शोरूम है नई वाली NS की, वो आप लोग करीबन पकड़ के चलो 150,000 से लेकर 160,000 तक इसकी आपको एक्स शोरूम प्राइस देखने मिल सकती है। और अगर बजाज वाले इस बाइक के फ्रंट सस्पेंशन में USD4 को ऑफर करते हैं तो इसकी प्राइस थोड़ी और भी ज़्यादा आपको देखने मिल सकती है। तो होप सो बजाज वाले कुछ एक अच्छी प्राइस के साथ और एक अच्छे चेंजेस के साथ, फीचर्स के साथ इस बाइक को फिर से लॉन्च करें। बाकी अगर लॉन्च डेट के बारे में ही बात करें तो गाइस बताया जा रहा है इसी साल मिड में जून जुलाई के आसपास इस बाइक को इंडियन टू व्हीलर मार्केट में लॉन्च किया जा सकता है। इस बाइक के लॉन्च से रिलेटेड कुछ और न्यूज़ आती है तो डेफिनेटली मैं आप लोगों को इन्फॉर्म करूँगा एक और वीडियो बना के। तब तक के लिए आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेलेक्ट करके रखना ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आप लोगों को नोटिफिकेशन आ जाए। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक